ये एग्जॉस्ट शॉर्ट है, तो इसका मतलब है कि साउंड थोड़ा तेज आएगा। मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो हमारी टंग है, जो जीभ है, वो उस साउंड वेव को ऐसे करके डायरेक्ट करती है कि उस साउंड को हमें कितना पिच हाई करना है, कितना पिच लो करना है, कहाँ। जब भी हम बोलते हैं, कभी ध्यान करना, जब हम बोल रहे होते हैं ना, तो अपनी जीभ के ऊपर ध्यान करना, ये कैसे ऊपर नीचे साइड वाइड में लगती है, तब जाके साउंड क्रिएट होता है। दोस्तों, हमें कैसे पता चलता है कि इस एग्जॉस्ट का कैसा साउंड होगा और इस एग्जॉस्ट का कैसा साउंड होगा? आज ये वीडियो है इस टॉपिक पे कि कौन सी बाइक आप यूज कर रहे हैं, किस टाइप के आपका इंजन टाइप है, और आप एग्जॉस्ट देख के उसका साउंड कैसा होने वाला है आपकी बाइक में लगने के बाद, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो चलो ये वाला वीडियो पूरा देखते हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप इस वक्त देख रहे हैं किंग इंडियन चैनल। बहुत दिन हो गए थे चैनल पे वीडियोस तो आते थे, लेकिन इस टाइप की जैसी पहले स्टार्टिंग होती थी वैसी स्टार्टिंग नहीं हो रही थी। मेरे को भी लग रहा था कि वीडियो थोड़े से डाउन 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 टाइप्स में कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इंडोर शूट कर रहा था। दोस्तों, आज का वीडियो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी लोग हैं, जो शौकीन लोग हैं ना, जो चाहते हैं कि हाँ हम कुछ शौक वाली चीज करें, उनके लिए आज मैं वीडियो लेके आऊँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं एग्जॉस्ट से। तो देखो, ये कुछ इस टाइप के एग्जॉस्ट जो आजकल चले हुए, जो शॉर्ट वाले एग्जॉस्ट होते हैं, ये साउंड क्रिएट करते हैं, ज़्यादा साउंड क्रिएट करते हैं, कम साउंड क्रिएट करते हैं, या कैसा साउंड क्रिएट करेंगे, या फिर लोग क्या करते हैं कि लगवाते हैं इनको अपाची में, जो कि सिंगल सिलेंडर बाइक है, 200cc 160 या 180cc बाइक में लगवाते हैं लोग सिंगल सिलेंडर के अंदर, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मेरी बाइक में से ना 4 सिलेंडर साउंड निकल जाए। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है, सबसे बड़ी जो समझने वाली बात है, वो ये होती है कि आप कभी भी सिंगल सिलेंडर बाइक में ऐसे एग्जॉस्ट लगवा के ये मत सोचो कि भाई मेरी बाइक में से एक स्पोर्ट्स बाइक वाली आवाज़ निकल जाएगी, या फिर कोई ऐसी क्रूजर टाइप्स आवाज़ निकल जाएगी जो कि पैरेलल टू इंजन के अंदर आती है। जिन लोगों को इंजन टाइप्स नहीं पता कि इनलाइन 4 क्या होते हैं, इनलाइन 6 क्या होता है, या V8 क्या होता है, या फिर पैरेलल ट्विन क्या होता है, तो उन लोगों के लिए मैं ये बता देता हूँ, ये सब कुछ इंजन टाइप होता है कि उसमें कितने सिलेंडर और किस तरीके से लगे हुए हैं। ओके, तो दोस्तों देखो, मेरे सामने कितने सारे एग्जॉस्ट रखे हुए हैं। ये एसी प्रोजेक्ट के एग्जॉस्ट हैं, रेप्लिका एग्जॉस्ट, ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिनल एग्जॉस्ट सिस्टम होता है वो बहुत महंगा आता है, और सही बताऊं तो बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक एग्जॉस्ट आपको छोटा भी आपको कम से कम 80-85-90 हज़ार रुपये का पड़ेगा। मेरे भाई के पास एक बाइक है जो कि है CV1000R, होंडा की है, 14 लैक्स की वो थी जब ली थी हमने 2009 में लास्ट में, तब उसमें हमने लगवाया था 2 ब्रदर्स का एग्जॉस्ट जिसका कॉस्ट था 1,20,000 रुपीस, लेकिन वो हमें मिल गया था थोड़ा सस्ते में, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफेक्टेड था, मतलब एक रिंग, उसमें 2 रिंग लगे होते हैं, तो एक रिंग नहीं था उसका, तो ऊपर वाला रिंग हमने लेने के बाद वो हटा लिया, हमें वो पड़ा था 85,000 का। सोचो इतना महंगा एग्जॉस्ट, इतनी महंगी तो हमारी बाइक्स ही होती हैं। तो मैं वो चीज़ें दिखाता हूँ सब लोगों को जो कि अफोर्डेबल हो, सामने से अच्छी हो, क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो। बहुत सारे व्यूअर्स ने ऐसा बोला था कि आप ओरिजिनल दिखाओ ना, डुप्लीकेट क्यों दिखा रहे हो, तो ओरिजिनल लेने वाले या पसंद करने वाले लोग बहुत कम है, वो डाई हार्ड फैंस होते हैं हाई परफॉर्मेंस के, उनके पास बड़ी बाइक्स होती है। जब हम बड़ी बाइक्स के सेगमेंट में जाएंगे, हाई परफॉर्मेंस के सेगमेंट में जाएंगे, तब मैं ओरिजिनल ऐसी ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो कि इंडिया में बहुत ही आपको रेयरली दिखेंगी। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये वाला एग्जॉस्ट या फिर ये वाला एग्जॉस्ट इनलाइन 4 सिलेंडर में या फिर इनलाइन 6 सिलेंडर में कैसा साउंड करेगा। देखना, दोनों ब्लैक से ही दिख रहे हैं आपको, ठीक है, अगर मैं अच्छे से दिखाऊं, देखो दोनों ब्लैक से दिख रहे हैं, दोनों का एक जैसा डिजाइन है, लेकिन दोनों का बाहर का डिजाइन कैसा भी हो, हमें ये देखना होता है कि एग्जॉस्ट के अंदर का कैसा डिजाइन है। ये देखो, अंदर का जो डिजाइन होता है ना, ये मेन चीज है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, देखो ये जो डिजाइन है ये बिल्कुल स्ट्रीमलाइन डिजाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट है ना, इसमें कोई झुकाव वुकाव कुछ नहीं है। अंदर से भी अगर मैं इस डिज़ाइन को देखूं तो ये स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये जो मफलर्स होते हैं ना, ये बेसिकली समझ लीजिए आपके लिप्स है, आपके गले में से जैसी आवाज़ बनती है, आपकी जीभ, आपकी जो टंग है वो ऊपर नीचे जाती है। अगर मैं इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो हमारी जो वॉइस जो क्रिएट होती है, जो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त, वो कैसे क्रिएट होती है, क्या पता है किसी को? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। हमारी वॉइस क्रिएट करने में 2 चीज़ें यूज होती हैं, वो है एयर और वाइब्रेशन, जिससे कि बनती है साउंड वेव्स।
अब साउंड वेव्स कैसे बनती हैं? हमारे बॉडी के अंदर से एयर विद वाइब्रेशन क्रिएट होती है, वो वाइब्रेशन क्रिएट होती है यहाँ यहाँ पे हमारे सिस्टम्स जो होते हैं वो उसको एक कंपोजिट वेव्स के अंदर क्रिएट करते हैं। अब वो कंपोजिट वेव क्या होती है, वो एक कांस्टेंट साउंड है, वो एक कांस्टेंट साउंड है। अब जो हमारी टंग है, जो जीभ है, वो उस साउंड वेव को ऐसे करके डायरेक्ट करती है कि उस साउंड को हमें कितना पिच हाई करना है, कितना पिच लो करना है, कहाँ। जब भी हम बोलते हैं, कभी ध्यान करना, जब हम बोल रहे होते हैं ना, तो अपनी जीभ के ऊपर ध्यान करना, ये कैसे ऊपर नीचे साइड वाइड में लगती है, तब जाके साउंड क्रिएट होता है। फिर क्या होता है, जो कांस्टेंट वॉइस, जो कांस्टेंट साउंड वेव्स हमारे यहाँ बनी होती है ना, यहाँ बनी होती है, उसको हमारी जो टंग, जो जीभ है ना, ये राउट करती है, ऊपर नीचे लगाती है, साइड वाइड लगाती है, इधर उधर लगाती है। हमारे जो लिप्स होते हैं ना, लिप्स ये वर्ड्स को कम्प्लीट यानी कि रोकने का, यानी कि थामने का काम करते हैं। इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हमारी जो वॉइस है, जो साउंड क्रिएट होता है, हम पक्षियों की आवाज़ निकालें, हम किसी जानवर की आवाज़ निकालें, या हम इंसान की आवाज़ में ही बात करें, तो वो चीज़ कम्प्लीटली सुनाई देती है। ऐसा ही ये काम करता है, इसको बोलते हैं मफलर। एग्जॉस्ट सिस्टम होता है पूरा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, उसके अंदर पाइप होता है, इंटेक्स होते हैं और कैटेलाइटिक कन्वर्टर होते हैं, उसको कंप्लीट करता है, ये है मफलर। अब इस मफलर की साउंड कैसे पता चलेगी या फिर कैसे पता चलती है, अगर आपके पास थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है तो आप इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं देख के ही कि मेरे पास ये वाली बाइक है। अगर मेरे पास हाई परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट सिस्टम मैंने अपनी बाइक में लगा रखा है, तो अगर मेरे पास ये वाला एग्जॉस्ट है तो ये मेरी बाइक में साउंड कैसा करेगा। उसका तरीका होता है, आप देखो कि एग्जॉस्ट ऊपर से कैसा दिखता है। अब ऊपर से तो देख लिया, ये तो हमारा शो पीस है, मतलब समझ लो कि हमें कैसा पसंद है, ऊपर से टेढ़ा मेढ़ा या फिर कैसा, ठीक है, हमें पसंद है सीधा। अब देखो कि उसके अंदर कैसा दिखता है, देखो जरा, इसके अंदर आपको स्ट्रीम लाइन एग्जॉस्ट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको पैरेलल ट्विन के अंदर यूज़ कर रहे हो, अगर आपकी कोई जैसे पैरेलल ट्विन मोटरसाइकिल है, अगर आपकी इनलाइन 4 मोटरसाइकिल है या फिर इनलाइन 6 मोटरसाइकिल है, तो उसके अंदर का जो साउंड, उसका जो नेटिव साउंड होगा वो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप उसके यूज़र हो, ठीक है। आपने उसका जो मफलर निकाल के कई बार साउंड सुन चुके होंगे या फिर नहीं भी सुना होगा तो भी आपको पता होगा कि इसमें कितना रंबल है, कितनी लाउडनेस है, कितनी बेस है। ये उसको क्या करेगा आपके हाई परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट के साथ में, ये मफलर उसको एक एंड पॉइंट दे देगा। वो एंड पॉइंट हमें कैसे पता चलता है, जो शेप है ना अंदर की, इसके अंदर ये स्ट्रीम लाइन शेप है, इसका मतलब है कि जो थ्रो, जो पीछे से जो इंटेक आ रहा है, उसको ये आगे कंप्लीट करके भेजेगा, नो डाउट, ठीक है। साउंड का लेवल, ये शॉर्ट है, ये एग्जॉस्ट शॉर्ट है, तो इसका मतलब है कि साउंड थोड़ा तेज आएगा। मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कंपनी लगा के देती है या फिर आपने जो बड़े वाले एग्जॉस्ट लगा रखे हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, इससे ये शॉर्ट है, ऐसे वाले शॉर्ट एग्जॉस्ट होते हैं और ये आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो क्या होता है कि इनका साउंड ना लाउड होता है, वो कैसे, साउंड यहाँ से आया आपके एग्जॉस्ट पाइप से और थोड़ा सा क्रिएट होने के बाद ही लाउड वाले फॉर्म में यहाँ से निकल गया, तो ऑब्वियस है कि आपको इसका साउंड ज़्यादा ही सुनने को मिलेगा। कई एग्जॉस्ट में जो अंदर वाली आप जाली देख रहे हो ना, ये देखो जरा ध्यान से, इसके अंदर एक जाली है, अगर आप देख पा रहे हो तो, या फिर मैं दिखा पा रहा हूँ, तो ये जाली क्या करती है, जो ट्रबल होता है ना, जो पीक साउंड होता है, जो मतलब जो हाई कानों में चुभने वाले जो साउंड होता है ना, उसको साइडों में दबा लेती है। इसके अंदर एक हीट रेजिस्टेंट वूल लगा होता है, जो कि सिरेमिक वूल या फिर ग्लास वूल, हमने पहले बहुत सुना था, सिरेमिक वूल ग्लास वूल, ठीक है। अब तो उससे भी ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और बहुत ही अच्छे से बताऊंगा कि कैसे ये सारी चीज़ें फंक्शन करती हैं। दूसरा एग्जॉस्ट टाइप है, देखो ये एग्जॉस्ट टाइप है, ये थोड़ा सा बल्की होता है, थोड़ा मोटा होता है, लेकिन ये साउंड के अंदर ना थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथनेस क्रिएट करेगा। मैं मेन पॉइंट बता देता हूँ, यहाँ से आपका ये इंटेक है, इंटेक जाता है, फैलता है अंदर यहाँ पे, और यहाँ से फिर एक छोटे से एग्जॉस्ट वाले एरिया से यहाँ से ये बाहर निकलता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये एग्जॉस्ट लेगा, उसको एग्जॉर्व करेगा और एक स्मूथ वे के अंदर छोड़ेगा, और जो इसके अंदर जो जाली है उसके अंदर आपका सारा ट्रबल, सारा पीक साउंड, सारा जो ऐसा वाला साउंड होता है जो कि जिसको हाई बीट भी बोल सकते हो, वो साउंड रुक जाता है, मतलब
इसका साउंड काफी इम्प्रेसिव आता है अगर आप पैरेलल ट्विन में या फिर आप इनलाइन फोर में यूज कर रहे हैं। अगर आप सिंगल सिलेंडर में यूज कर रहे हैं, सिंगल सिलेंडर में कभी भी किसी भी एग्जॉस्ट की जो साउंड होती है वो कभी अच्छी नहीं आ सकती है, वो हमेशा पट 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 आएगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सिंगल सिलेंडर का जो स्ट्रोक है ना वो एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे आएगा, एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे आएगा, तो वो आपको कट 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 वाला जो साउंड है वो जरूर सुनने को मिलेगा। तीसरे हम आ जाते हैं शॉर्ट के अंदर ही, जैसे मेगाफोन टाइप्स एग्जॉस्ट एसी का, ये शॉर्ट है लेकिन मेगाफोन है। इसमें क्या होता है, जो इनटेक आया आपका वो मेगाफोन होते हुए, यानी के मतलब बाहर जो निकलेगा वो बेस ज्यादा निकलेगी और ट्रबल ये रोक देगा। इसका साउंड भी बहुत ज्यादा स्मूथ होता है, आप देखते ही इसको समझ सकते हैं कि ये कैसा साउंड करेगा अपनी बाइक में लगाने में। जैसा कि ये एग्जॉस्ट है, ये फोर टाइप ऑफ एग्जॉस्ट है, ये दिखेगा आपको शॉर्ट ही क्रोम का है, काफी अच्छा है, लेकिन इसके अंदर का जो मामला है ना, ये देखो ये जो है ना इसके अंदर का, ये क्या करता है कि जितना फ्लो सामने से लेगा उतना ही पीछे छोड़ देगा। तो मतलब समझ लो कि आपने मफलर लगा भी रखा है या नहीं लगा रखा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये होगा कि जो बीट होगी ना, जो हाई बीट होगी बस वो दब जाएगी और कुछ नहीं होगा। ये था हमारा आज का वीडियो कि भाई कैसे पहचाने। बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि भाई पहचाने कैसे, जरूरी छोड़ने की बाइक होनी चाहिए। तो यार मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में बाइक ही नहीं होगी तो आप लगाओगे किस चीज़ में, ठीक है। और एक मैं और बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि अपाची KTM या फिर और आवरन 5 के अंदर अगर वो एग्जॉस्ट लगवा लेते हैं तो उनका जो बाइक का जो साउंड है वो, बहुत लोग बोलते हैं कि बेनेली 600 का हमें साउंड चाहिए, हमें इस वाली स्पोर्ट्स बाइक का साउंड चाहिए, इस वाली स्पोर्ट्स बाइक का साउंड चाहिए। तो वो तो ऑब्वियस है ना कि नहीं आ सकता, ये तो खैर अंडरस्टूड होना चाहिए बंदे के लिए कि भाई इनलाइन फोर सिलेंडर का साउंड आपके कभी भी सिंगल सिलेंडर से नहीं निकल सकता है ना। ये जो एग्जॉस्ट मैंने दिखाया ना, ये आपको kingindian.in पे मिल जाएंगे, मार्केट में आप ऑनलाइन ट्राई कर लेना, ऐसे प्राइजेस के अंदर कोई देता नहीं है जिस प्राइस में मैं दे रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर कोई मेरा मार्जिन है नहीं, मैं कुछ इस पर कमाता वमाता नहीं हूँ, ये सब कुछ उनके लिए चला जाता है जहाँ पे हम चैरिटी करते हैं, और थोड़े से पैसे रोक के जाता है क्योंकि उस पैसे से हम पैकेजिंग का सामान और वो जो पैसे होते हैं जो लोग पैक करते हैं, जो जिन लोगों को हमने काम दिया है, जो लोग खाली थे उन लोगों को पैकिंग का काम मिला ना, उन लोगों का घर चलता है, तो ये पैसे उसमें जाते हैं, मैं इससे कोई कमाता नहीं हूँ। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, कैसा लगा बताना। जो लोग नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें, अच्छा लगता है जब मैं नंबर्स देखता हूँ कि बढ़ रहे हैं तो अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब करो अगर नए हो, और अगर पुराने हो तो यार लाइक तो देखो बनता है, ठीक है। इतनी गर्मी हो रही है, बहुत देश गंदी धूप हो रही है, लेकिन फिर भी ये मैं वीडियो बनाने के लिए या फिर किसी को कुछ करने के लिए नहीं करता हूँ, ये मैं करता हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए मैं पहले अकेला काम करता था। आज मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ में किंग्स आर्मी है, मेरे साथ में आप सब लोग। तो चलो बाय बाय, इसी के साथ अच्छे अच्छे काम करो, खुशियों में रहो, अच्छे से रहो, कीप वॉचिंग कीप रॉकिंग किंग इंडियन, बाय बाय।